हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काटा बाजार। दोस्तों, आज एक नए मशीन के साथ में आप देखेंगे हैंगिंग स्केल है। हैंगिंग स्केल में कौन से भी मॉडल का मशीन आपको चाहिए तो काटा बाजार में अवेलेबल है, मिल जाएगा। बल्क ऑर्डर के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर के लिए, क्योंकि डीलर प्राइस पे आपको मिल जाएगा, एकदम रिजनेबल प्राइस पे। दोस्तों, आज मैं इसका सेटिंग और कैलिब्रेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है तो लोगों को पता नहीं होता है, और बहुत सारे डीलर को भी इसकी सेटिंग नहीं पता होती है। इसकी वजह से आज मैं ये बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको ज़रा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, इस तरीके से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको जिस भी मशीन का कैलिब्रेशन चाहिए हो, आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको इस तरीके से मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम आज इस मशीन का सेटिंग और कैलिब्रेशन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसका पासवर्ड नहीं पता होता है कि इसका सेटिंग या कैलिब्रेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें पासवर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कुछ भी ट्राई करते हैं, फिर उनको पासवर्ड मिलता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल तरीका भी आज बताने वाला हूँ कि आपको इसका पासवर्ड एकदम आसानी से कैसे आप इसको ढूंढ सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम हो या नहीं मिल रहा हो तो। तो दोस्तों, जैसे कि आप मोड की बटन, यहाँ पे मोड की बटन है, टेयर है, मोड है, MR है, M+ है। तो जैसे आप मोड की बटन को प्रेस करके आप इसको मशीन को ऑन करते हो तो ये पास मांगता है, पासवर्ड। तब हमें पता नहीं होता पासवर्ड, तो हम क्या करते हैं, टेयर प्रेस करते हैं, फिर कुछ पासवर्ड आता है, फिर मतलब मोड ही वापस, मोड से ही इसका एंटर होता है, फिर पासवर्ड पता नहीं होता तो हम कुछ भी डालते हैं। जैसे कि आप MR के बटन से यहाँ पे ये डिस्प्ले देखिए ब्लिंक करेगा, फिर आपको M+ से 1-2 बनाना रहता है। तो लाइक जैसे अभी लोगों को ऐसा ज़्यादातर लगता है कि यहाँ पे इसका पासवर्ड 2012 से लेके 2016 तक ऐसा कुछ हो सकता है, तो लोगों डाल डाल के ट्राई करते हैं, फिर वो पास आता है, वापस से पासवर्ड नहीं मिलता है। तब बहुत टाइम तक परेशान होते हो कि इसका पासवर्ड क्या होगा, वो नहीं मिलता। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप इसका पासवर्ड इजीली ढूंढ सकते हो बिना किसी तकलीफ के। तो सिंपल आपको करना यह है कि मशीन को ऑफ करना है, M+ की बटन को दबा के आपको चालू करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। पासवर्ड में आप मोड की बटन प्रेस करिए, यहाँ पे देखिए 2000, ये इसका पासवर्ड है, ये यहाँ पे से आपको मालूम पड़ जाएगा कि पासवर्ड क्या है। तो अभी आपने देख लिया यहाँ पे 2000 है। तो अभी हम वापस से मशीन को बंद करेंगे, वापस से मोड की बटन प्रेस करके फिर चालू करेंगे, फिर पास आया, फिर हम एक बार मोड की बटन प्रेस करेंगे, फिर हम MR की बटन एक बार प्रेस करेंगे, अभी पासवर्ड क्या था, 2000। तो हम M+ की बटन से बनाएंगे 2 और MR की बटन से 1020 और ये 30, ये हो गया 2000। अभी हम मोड की बटन एक बार प्रेस करेंगे, फिर आपको आएगा DSP, फिर आपको मोड प्रेस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एस रखना है, इसको ऑटो 0 ही रखना है, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको स्पीड वगैरह में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये स्पीड 2 ही रखना है। DP में आपको 4 रखना है, क्योंकि 10 ग्राम से चालू करना है, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप इसको इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आपको 4 ही रखना है। फिर आप स्टेप 2 में आप कैपेसिटी सिंगल या डबल रख सकते हैं, पर यहाँ पे फर्स्ट एक्यूरेसी जो है वो हमने 10 ग्राम रखी है 50 किलो तक के लिए, और 50 किलो के बाद के लिए कैपेसिटी 50 किलो के लिए हमने 10 ग्राम रखी है। LD2 को हमने 20 ग्राम रखा है, जो कि 160 किलो तक चलेगा। टोटल कैपेसिटी 160 किलो है इसका। इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इनकेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, बट इसमें लोड सेल आपको 200 किलो का मिलेगा, तो आप 160 किलो तक का ही रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मोड आप लेटर जो है इसको मतलब नो ही रखिए ऑलवेज, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जब ये किसी डेयरी वगैरह में यूज होता है तो ही ये लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक के लिए इसको नो रखिए। फिर पीसेस, अगर आप पीस काउंटिंग नहीं करते हो तो आप नो रखिए, अगर पीस काउंटिंग करते हो तो आप इसको यस कर सकते हो, तो आपको पीस काउंटिंग भी सिस्टम चालू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको हम नो रखते हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे इसमें
यहाँ पे कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बैटरी वोल्टेज के लिए वो 4 वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि 4 वाट की बैटरी है इसके अंदर, चार्ज एडाप्टर से चार्ज होता है। फिल्टर में कुछ नहीं करना है, ये सब जीरो रखना है। होल्ड नो ही रखना है क्योंकि अगर आप होल्ड रखोगे, ऑन करोगे, होल्ड को यस किए तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि ये अपने आप से, जैसे आप कुछ वेट लटकाएंगे, हैंग करेंगे तो अपने आप से होल्ड हो जाएगा, वहीं पे वेट रुक जाएगा, तो उसको नो ही रखना है। वापस आप यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको इस तरीके से, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, उसको रहने देने का। बस डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से कैलिब्रेशन के लिए, कैल वन आप एक बार प्रेस करते ही आप डायरेक्टली कैलिब्रेशन मोड में चले जाएंगे। बट हैंगिंग स्केल को डायरेक्टली ऐसा रख के कैलिब्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको हैंग करना ज़रूरी है। अगर वो हैंग करने पे, लटकाने के बावजूद कहीं पे भी टच हो रहा होगा तो ये बिल्कुल भी आपको वजन परफेक्ट नहीं बताएगा, कभी भी आप इसका ध्यान रखिए। तो इसको हम कुछ जुगाड़ करते हैं इसको लटका के आपको दिखाने का, क्योंकि बिना लटकाए अगर हम इसका कैलिब्रेशन करते हैं तो ये कैलिब्रेशन आपको वापस फेल हो जाएगा, फिर आपको प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसको लटका के फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको ऐसा लटका दिया है, अभी हम इसमें लटकाएंगे 5 kg का बाट। एक्चुअली इसमें ज़्यादा, कम से कम 20 किलो हैंग करके कैलिब्रेट करना चाहिए, बट अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इसमें सिर्फ 5 किलो का ही वेट लटका के दिखाएंगे। तो इसको अभी आपको नहीं लटकाना है, अभी आपको पहला मोड एक बार प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद जीरो, अब जब आपको यहाँ पे लोड दिखे फिर आप इस पर लोड हैंग करना है। आप इसको किसी पट्टी के थ्रू भी बांध सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे लटका के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, फिर आपको प्रेस करना है मोड। जब आपने मोड प्रेस किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग आया 5 kg। अगर इनकेस आपको यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा दिखे तो आप उसको M प्लस से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप पीछे लाइए, फिर आप इसको M प्लस से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरीके का आने के बाद जब आपका 5 kg सेट हो गया, जितना भी आप वेट हैंग करेंगे उतना आपको पहले इसमें सेट करना है। फिर सेट करने के बाद आपको मोड की बटन एक बार प्रेस करनी है, जस्ट वन टाइम। ये आपको सेटिंग हो गया डन इस तरीके से। ये देखिए अभी आपका प्लस में वेट दिखा रहा है 5 kg आपका। इनकेस कभी बाहर से ही ट्राई करना चाहिए कि इसको बाहर से कैलिब्रेट करना है, इतना सेटिंग में नहीं जाना है, तो एकदम शॉर्टकट तरीका है, आप इसको ऑफ करिए। टेयर की बटन आप प्रेस करके रखिए, आपको कैल वन आ जाएगा जो कि आप पहले आया था। मोड की बटन आपको एक बार प्रेस करनी है, लोड आते ही आपको लोड इसमें हैंग करना है, लटकाना है, जो भी आप लटकाना चाहें आप इस तरीके से लटका सकते हैं। और फिर आपको मोड एक बार प्रेस करना है, फिर 5 kg आ गया, हमने वापस से इसको एक बार मोड प्रेस करना है, डन आपका कैलिब्रेशन हो गया। बस इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको ये हैंगिंग स्केल बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। काटा बाजार में अवेलेबल है, आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, आप मार्केट प्राइस से भी काफ़ी सस्ते में आप काटा बाजार से परचेस कर सकते हैं। आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं दोस्तों, काटा बाजार के ही साइट से आपको मिल जाएगा। और अगर आप बल्क में आप इसको ऑर्डर करते हैं, कोई डीलर हो जो परचेस करना चाहते हैं, तो आपको ये डीलर प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आप सिंगल पीस ऑर्डर करते हो तो आपको कस्टमर प्राइस पे मिलेगा। डीलर प्राइस पे मंगाने के लिए सबसे पहले आपको आपका विजिटिंग कार्ड सेंड करना है, मैं आपको इसका प्राइस लिस्ट भेज दूंगा। एकदम रिजनेबल प्राइस है दोस्तों, आप इसको मंगाइए और लोगों को सेल करिए। इसी के साथ दोस्तों, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, किसी भी मशीन का जो सेटिंग है वो जानने के लिए, पैरामीटर सेटिंग, एक्चुअली ऐसा बताना तो नहीं रहता है, फिर भी हम आपको 100% गाइड करेंगे। जहां भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। काटा बाजार में और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो आपको, हम लोग क्या करते हैं, नियर बाई आपके ही नियर बाई जो कोई मैन्युफैक्चरर होते हैं या रिपेयरर होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है, जो अथोराइज्ड होते हैं, हम उनको ही हायर करते हैं आपकी सर्विस के लिए, आपके हेल्प के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आप वहां से आपका पिन नंबर के साथ में आपका एड्रेस भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे 100% आपके नियर बाई का जो भी आपका सेल्समैन है या डीलर है या रिपेयरर है या वहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, जो भी हो आपका सपोर्ट करेगा, आपके लिए मशीन अवेलेबल करेगा,
और 100% आपको सर्विस में सपोर्ट देगा। कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा सर्विस से रिलेटेड हो या सेल्स से रिलेटेड हो, नया मशीन चाहिए हो, और भी किसी मॉडल की मशीन मंगानी हो, ज्वेलरी मशीन मंगानी हो, या आपको गवर्नमेंट स्टैंपिंग से कोई रिलेटेड कुछ हो, तो नियर बाय आपका जो भी रिपेयरर है वो आपका गवर्नमेंट स्टैंपिंग करवा सकता है, या नियर बाय जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है वो ही आपका गवर्नमेंट स्टैंपिंग करवा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र का स्टैंपिंग मैक्सिमम 50 किलो तक ही ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर हैं तो आपको 50 किलो से ऊपर की जो भी मशीनें होती है, और नियर बाय आपके जो भी स्टेट में आप हो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर का अपना ऑफिस होता है, वहाँ पे आप वो मशीन को रीस्टैम्प करवा सकते हैं, स्टैम्प करवा सकते हैं न्यू, तो आप वो भी आप किसी ना किसी आपके रिपेयरर के थ्रू या आप आपके यहाँ का जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो आपको हेल्प करेगा ये करवा के देने में। तो दोस्तों आप कोई भी मशीन मंगाते हो तो आप या तो गवर्नमेंट स्टैंपिंग के साथ मंगाते हो, या आपके स्टेट में आप अगर बल्क में मंगाते हो, आप डीलर हो तो आप खुद अपने स्टेट में गवर्नमेंट स्टैंप करवा सकते हो। तो दोस्तों और भी जो भी मशीन आपको बल्क में ऑर्डर करनी है आप ऑर्डर कर सकते हैं, घाटा बाजार से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप करेंगे तो भी आपको डीलर प्राइस मिल जाएगा और 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। आगे इस तरीके से शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके, जरूरत पे लोगों का काम आ सके। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।